कार्यक्रम है नीमच जिले का और मंदसौर जिले का, उसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए और किस तरह से जावद मनासा के कार्यक्रम होंगे उसकी एक योजना बनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमारी हमारे कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ हम इन कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। मैम, जिस तरह की फूट अभी इन दिनों देखी जा रही है, कल भी आपके जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है भरे सड़क पर लड़े हैं, तो क्या इसी तरह की रणनीति के साथ में फिर आप एकता की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? हमारे बीच में कोई किसी चीज की मनमुटाव रहे होंगे, लेकिन हम उनको समझाएंगे। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि मतभेद होता है और होना स्वाभाविक है, लेकिन आपस में कोई मनभेद नहीं। एक चीज और है, जैसे अभी आप लोग दिग्विजय सिंह भी जो है प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, और खासतौर पे बीजेपी जो है पिछले 15 साल पुरानी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो खराब सड़कें, बिजली की समस्या, इनको जो है मुद्दा बना रही है, तो क्या आप लोग अब दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश से दूर रखेंगे या उनको अपनी उपलब्धियां बताएंगे? सवाल तो ये है कि पिछले 15 साल में इन्होंने क्या किया। जो मुख्यमंत्री कृषि कर्मण अवार्ड लेके आते हैं, उस मुख्यमंत्री के शासनकाल में किसान आत्महत्या करते हैं। जब अपने अधिकारों की मांग लेकर जाते हैं तो 6 किसान गोली से और लाठी से मारे जाते हैं। उनको उनके उस घटना के जांच के लिए जो कमीशन बिठाया जाता है, वो सरकार के दबाव में आकर सबको क्लीन चिट दे देता है। रिपोर्ट पेश भी होने से पहले सारे अधिकारियों को बहाल कर दिया जाता है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना होती है और ऐसी अनेक घटना कटनी, ग्वालियर, सब जगह आए दिन सुनने में आती है। तो इसका हिसाब किताब पहले वो दें, उसके बाद हम अपनी बाद में करेंगे। एक जो है, जैसे अब चुनाव आए हैं और आप लोग सक्रिय हो गए हैं और सब एक जाजम पे बैठे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कभी भी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, खासतौर पर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जो कांग्रेसी नेताओं ने आवाज उठाई तो अपनी तरफ से एक अलग समिति बनाकर, इसका कारण क्यों? नहीं, मैं तो इस बात से आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इन मुद्दों पर हमने सवाल नहीं उठाया। निरंतर हमारे अलग अलग साथी अलग अलग मुद्दों पर लड़ते रहे हैं और इलेक्शन से पहले नहीं, हम तो पिछले एक साल से पदयात्राओं के माध्यम से गांव-गांव किसानों के बीच पहुंचकर और नौजवानों के साथ काम करके, चिकित्सा हो या शिक्षा हो या फिर महिलाओं के विषय हो, इनको हमारे अलग अलग कार्यकर्ताओं ने और अलग अलग मोर्चा संगठनों ने उठाया है और निरंतर उठाते रहे। सिंधिया जी आ रहे हैं, आपने बताया, तो अब क्या कांग्रेस के जो मतलब एक ग्रुप वाइज उनका स्वागत होगा जैसा कि राहुल जी के प्रोग्राम में देखा गया था? राहुल जी का प्रोग्राम भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुआ था और सबके सब लोग अपने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे थे। आदरणीय सिंधिया जी का नहीं, तो वो सबको अपना अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने साथियों को मोटिवेट करके लाने का, लेकिन सब प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में वहां आए थे। और माननीय सिंधिया जी का कार्यक्रम भी जिला कांग्रेस कमेटी नीमच और मंदसौर के नेतृत्व में हो रहा है और सब इसमें पूरे उत्साह से शामिल होंगे। पिछली बार भी आरोप लगे थे कि जो है उम्मीदवार यहाँ पर अच्छा हो या बुरा हो, जो वही होता है जो मीनाक्षी दीदी चाहती है, क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है और उसमें अगर मुझसे भी राय ली जाएगी तो मेरी भी राय जरूर दी जाएगी, लेकिन हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी फैसला लेगी उसका हम सब लोग समर्थन।